अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आपकी दुआओं से जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी जना आप हमारे रूम का और है मेक ओवर, और ये है जी रमज़ान से बहुत पहले की यानी कि मार्च के स्टार्टिंग की वीडियो, लेकिन मैं अब आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा रूम है उसको कंप्लीट होते हुए इतना टाइम लग गया था, तो जैसे ही कंप्लीट हुआ है तो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है। तो यहाँ जी हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर और सेम वगैरह है, तो बस दीवारें बहुत ज़्यादा रूम की ख़राब हो गई थी और एक दो बार इसमें पेंट वगैरह करवाया था, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद ना वो पेंट फिर से दोबारा ख़राब हो जाता है और बस ये है कि वो फिर जो सीमेंट वगैरह या दीवारों के साथ से रेत वगैरह पेंट वगैरह बहुत नीचे गिरता रहता है, तो बस ये है कि अच्छा नहीं लगता। सफाई की भी हो, रूम वगैरह साफ़ किए हो, लेकिन फिर भी वो इस तरह से लगते हैं कि जैसे कभी कुछ इधर किया ही नहीं। तो बस सोचा था कि इस रूम का मेकओवर करते हैं, इसकी सीलिंग वगैरह करवानी थी। और ये जी 1 मार्च से हमने ये काम स्टार्ट करवाया था। मैंने आपसे पहले बोला था कि मैंने सारा फर्नीचर वगैरह वॉर्निश करवाया था, पॉलिश, तो बस ये था कि काम सोचा था जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन करते करते पूरा मंथ ही तकरीबन लग गया क्योंकि जिन जिन को काम का बोला हुआ था जिस डेट पे उन्होंने आना था तो वो उस डेट पर तो नहीं आए। तो बस यहाँ जी अब सबसे पहले हमने यहाँ पर सीलिंग स्टार्ट की थी, पहले सारा सामान वगैरह निकाल के तो वो वार्निश किया, फिर सीलिंग। और सीलिंग का पता है कि इस कदर नीचे वो सारा कचरा वगैरह फैल जाता है, उसको समेटना इतना मुश्किल हो जाता है। और इन दिनों में मेरे साथ एक ट्रेजडी भी होगी। ट्रेजडी ये थी कि जो मेरी हेल्पर थी वो जी अचानक से चली गई, और हेल्पर का अचानक चला जाना किसी ट्रेजडी से कम नहीं है क्योंकि उसकी जो मम्मी थी उसकी अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो जो उसकी मम्मी कि लुक आफ्टर करने के लिए घर पे और कोई नहीं था, तो उसने बोला कि मैं अभी थोड़े अरसे के लिए काम छोड़ दूँगी, और क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है उनको देखने के लिए घर पे और कोई नहीं होता। तो बस ये सब अचानक से हो गया, इधर ये हमारा काम हो रहा था उधर से वो चली गई, तो मैं बिल्कुल अकेली थी। तो ये है कि गाँव में डेली बेसिस पर आप किसी न किसी को हायर कर सकते हैं, लेकिन फिर वो है कि जो आपकी हेल्पर होती है उसको सारे काम का पता होता है, नया जो आता है उसको दोबारा से फिर आपने सारा समझाना होता है, तो वो बस मसला हो जाता है। लेकिन शुक्र है फिर भी डेली बेसिस पे मुझे कोई ना कोई मिल जाती थी जिससे मैं मिलके ही ना काम करवा के ये सारा कुछ हमने क्लीन करवाया। यहाँ जी सीलिंग कम्प्लीट हो गई थी, और फिर सीलिंग को थोड़े अरसे के लिए उन्होंने बोला था कि अभी पेंट नहीं होना जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाएगी, तो बस फिर उसको कुछ दिन के लिए हमने छोड़ दिया था, तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा। और यहाँ जी मैं कारपेट जो था उसको बाहर निकाल के सेन में तो हम वॉश कर रहे थे, कारपेट बहुत ख़राब हो रहा था, मिट्टी वगैरह होती है, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो इसको भी वॉश कर लेते हैं। निकाला तो हुआ ये बाहर, फर्नीचर वगैरह वार्निश करके सारा रख लिया था, दूसरे रूम का सेट कर लिया था, लेकिन इस रूम का भी बाहर बरामदे में पड़ा था क्योंकि मैंने सोचा कि एक दफ़ा ही रखेंगे क्योंकि एक दफ़ा पहले इस सामान को सेट करें फिर निकालें तो पहले सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद इन सब चीज़ों को सेट कर लेंगे। तो कालीन वगैरह धो के हमने धूप में डाल दिया था, तकरीबन इतनी गर्मी थी कि एक दिन में ही जो है ना कारपेट वो खुश्क हो गया था। और यहाँ जी लाइटें वगैरह भी लग गई थी, ये देखें अच्छा, जितने लोग काम करने वाले थे सीलिंग वाले लाइटों वाले और जो डेट देते थे उस डेट पे वो नहीं आते थे भी, यानी कि आज का बोला है तो आज नहीं जी हम कल या परसों आएंगे, तो इस तरह से काम बहुत ज़्यादा लेट होता गया। देखिए दीवारें किस कदर ख़राब हुई हुई हैं, कितनी दफ़ा रूम में पेंट भी करवाया लेकिन फिर भी चलेंगे। यहाँ हमारी सीलिंग हो गई थी ड्राई और अब था पेंट का काम। अच्छा पेंट वाला आया था थर्सडे को, यानी कि संडे को पहला रोज़ा था, तो थर्सडे को पेंट वाला आ गया था और पेंट वाले ने एक दिन में ही हमारा पेंट कंप्लीट कर दिया, यानी कि वो सुबह आया और शाम तक उसने इसको कंप्लीट कर लिया था।
और ये जो पेंट वाले जो है ना वो रेग मार सा करते हैं उससे ये सारा इक्वल करते हैं, तो इसकी वजह से पूरे घर में इस कदर वो फैल गया था पाउडर सा जैसे होता है ना सीलिंग का वो। तो बस ये मेरा जो मार्च का पूरा महीना था ना इसी काम में गुजर गया। और यहाँ जी अब हमारी पैनलिंग वाले जो पैनल होते हैं वो भी हमने साथ पूरे रूम में पैनल करवा लिया था, और आप देखें जी अभी आ गया पैनल का कचरा। आज हम इसको सिमटेंगे क्योंकि रूम की पूरी पैलिंग हो गई थी, और पैलिंग वाले जो थे उन्होंने फ्राइडे को पैलिंग भेज दी थी सारी जो पैनल से, और हमने बोला कि संडे को रोज़ा है तो आप प्लीज़ आके फ्राइडे को ये सारा काम कर दें, तो उन्होंने बोला जी नहीं फ्राइडे को तो हम नहीं आएंगे क्योंकि उस दिन तो छुट्टी होती है, हम सैटरडे को ही आएंगे। और मेरा दिल था कि फ्राइडे को कर देते, सैटरडे को मैं सारा कमरा सेट कर लेती ताकि संडे को मैं आराम से आगे रोज़ा रख सकती, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी नहीं हम तो आएंगे सैटरडे को। फिर सैटरडे को वो तकरीबन दोपहर में आए, सुबह का टाइम 9 का दिया था लेकिन आते आते उन्होंने 12 कर दिया, तो 12 बजे आए उन्होंने काम स्टार्ट किया। काम करते करते तकरीबन उन्होंने रात 8:30 तक ये सारा काम किया, और सुबह रोज़ा था तो फर्स्ट रोज़े को ये जी मैंने सारा रूम सेट किया। इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा पहले रोज़े में वीकनेस और थकावट हो गई थी, और ये देखें जी सारा हमारा रूम माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया। पर्दे वगैरह भी मैंने सिल के आए तो उनकी लेंथ का थोड़ा मसला था, फिर मैंने उनको नीचे से खोल के सारे सेट किए, फिर उनको मैंने दोबारा से वॉश किया, वॉश करने के बाद प्रेस करके तो फिर मैंने इनको हैंग किया है। और ये जी हमारा पूरा मार्च का जो महीना था इसी तरह से इन्हीं कामों में गुजर गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी एंड में जो रिज़ल्ट आया बहुत अच्छा, रूम बहुत अच्छा लग रहा था, नीट एंड क्लीन हो गया था। और ये जो फ्रंट पे पैनल लगवाया है ये प्रिंटेड है जैसे वॉलपेपर में डिज़ाइन होता है, बहुत ही लाइट कलर का, और जो तीन दीवारें हैं उन पर प्लेन में था, बिल्कुल प्लेन पैनल था। और ये जी हमारा कंप्लीट लुक है रूम का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी ये कंप्लीट हो गया। अच्छा जी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, रूम का मेकओवर अच्छा लगा है, तो आपने मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है वीडियो आपको कैसी लगी है। और जी चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और इंशाल्लाह जी आपसे होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।